से नाराज है? देखो, आइंदा तुम मेरे बच्चों के लिए तोहफे मत लाया करो, और ये जो तुम बड़ी बड़ी रकमों के चेक मेरे यतीम खाने को देते हो, ये भी नहीं चाहिए। मुझसे कोई गलती होगी बाबूजी? यतीम खाने की इस चार दीवारी में तुम्हें अपना घर नजर आता है। तुमने अगर यहां परवरिश ना पाई होती तो तुम यहां भी चोरी करने से पास ना आते। बाबूजी, मैं जान चुका हूं कि तुम चोर हो। तुम्हारी कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे भी और इन मासूम यतीम बच्चों से भी। 2 साल पहले के ये अखबारात तुम्हारे झूठ का मुंह बोलता सबूत है। देखो इन्हें, इनमें तुम्हारे तमाम करतूत छपे हैं। मेरा बस नहीं चलता, वरना तुम्हारा दिया हुआ पैसा जो मेरे बच्चों की रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है, निकाल कर तुम्हारे मुंह पर दे मारता। आपको अखबार ने यह तो बता दिया कि आपका यतीम स्टूडेंट चोर बन गया, लेकिन इन अखबार ने यह नहीं लिखा बाबूजी कि मैं चोर बना कैसे। ये आपको मैं बताऊंगा। यतीम खाने से निकलने के बाद जानता हूं चोर, डाकू, बदमाश, कातिल पैदाइशी नहीं होते। हालात, मुआशरा, मजबूरियां, भूख, अफलास उन्हें ऐसा बना देते हैं, लेकिन इंसान वो है जो इन हालात का मुकाबला करता है, इनसे हारता नहीं। तुम ऐसे इंसान क्यों नहीं बने जमाल? तुम्हें मेरी तरबियत ने एक कमजोर इंसान बनाकर एक चोर क्यों बना दिया? नाराज मैं तुमसे हूं, लेकिन शर्मिंदा अपने फर्ज और इस कुर्सी से हूं जहां मुझे बच्चों की इस्लाह के लिए बिठाया गया, लेकिन लेकिन मैं अपने फर्ज में नाकाम हो गया। मैं इस कुर्सी का अहल नहीं हूं, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं करेंगे बाबूजी। आप एक बुरे बच्चे के लिए इतने सारे बच्चों को छोड़ देंगे? खुदा के लिए बाबूजी, बच्चों को छोड़ के मत जाना, बच्चों को छोड़ के मत जाना बाबूजी। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इन बच्चों को छोड़कर ना जाऊं, तो तुम चोरी करना छोड़ दो,
मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा जमाल, समझ लो एक उस्ताद हाथ जोड़कर तुमसे अपनी मोहब्बतों की कीमत मांग रहा है। हाँ बेटा, कीमत मांग रहा है। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। यहां तो मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा बाबूजी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपका जमाल चोरी नहीं करेगा बाबूजी, नहीं करेगा बाबूजी, कभी नहीं करेगा। चोरी नहीं करेगा जमाल? हाँ बाबूजी। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मैं हूँ जमाल। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वाले सलाम। मैडम है घर पे? वो बाजार गई है। और टीना? टीना वर्जिश कर रही है। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। आप अच्छे बले जमालुद्दीन जमाल को जेम कर दिया। जेम तो मैं प्यार से कहती हूँ। एक मिनट, हट। प्यार से कहती हूँ जेम, तुम्हें पता नहीं है? चौधरी में जेम नहीं होता, चौधरी में जमालुद्दीन होता है, मलिक जमाल होता है, चौधरी गुलाम होता है, बाबा जमाल होता है। अच्छा छोड़ो, नो फाइट। ये बताओ तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या बनाओ? ये बताओ इस घर में पेजे तो नहीं था? पेजी वो तो नहीं आया, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं रोजाना अपनी चाबी से तुम्हारे घर का ताला खोलती थी, तुम्हारे सारे घर की सफाई करती थी, तुम्हारी तस्वीर देखती थी, उससे बातें करती थी और तुम्हारे बिस्तर पे सो जाती थी। मेरे बिस्तर पर? वो क्यों? मुझे तुम्हारे बिस्तर पे सोना अच्छा लगता है। तुम्हारी खुशबू आज भी इन तकियों में है। बेबी, डोंट कॉल मी बेबी, टीना बोलो ना। ओ मेरे लिए तुम बच्ची हो, याद है मैंने उस दिन तुम्हें लॉलीपॉप लेकर दी थी? तो क्या हुआ, मैंने भी तो तुम्हें बसाया है अपने दिल में बचपन से। ला हौल वला कुव्वत, खुदा गारत करे डिश एंटीना को जिसने वक्त से पहले बच्चे बड़े कर दिए। मैं तो समझा था अब तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी, लेकिन तुम तो पहले से भी ज्यादा। तुम्हें ज्यादा मिस करने लगी। लो जिम जी, तुम्हें पता है पिछली सालगिरह पर केक काटते हुए मैंने तुम बहुत मिस किया। अच्छा जिम, पता है मम्मी क्या कह रही थी? क्या कह रही? मम्मी कहने लगी जिम की और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है, तुम उसके लिए ऐसी फीलिंग मत रखो। वाह, तुम्हारी मामा तो जन्नती औरत है, उसका जन्नत में बुटीक होगा, उसने ठीक बोला। गलत कहा है, तुम भी गलत कहते हो। जरूरी नहीं कि प्यार अपनी उम्र के लड़के से किया जाए, अपने से बड़े से भी तो। ओ बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। याद रखो तुम मेरी नजर में बच्ची हो, बच्ची रहोगी और बची रहोगी। अब मुझसे मिलना है ना तो बच्चों की तरह मिलो, वरना 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 नहीं मिलना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। चाबी तो मेरे पास है। लाओ चाबी, चलो चाबी लाओ। ये लो। थैंक्स। थैंक्स काम नहीं चलेगा। फिर मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? शट अप। देवी, तुम हमेशा मुझसे पूछा करते थे ना मेरे बॉयफ्रेंड कौन है? जी बेबी जी, अभी अभी जो गया है यही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये? हाँ। ये तो आपसे उम्र में बहुत बड़ा। तुम सब लोग इन आंखों से देखते हो और मैं अपने दिल की आंख से देखती हूँ, जहाँ मुझे अपने आप में उसमें
कोई फर्क नजर नहीं आता। ये क्या हुलिया बना रखा है? कुछ फर्क नजर आया? देखो तुम कुछ भी कर लो, लगोगी तुम वही छोटी सी बच्ची, फराक पहने में मुन्नी सी, समझी? तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। क्या हुआ मेरी आंखों को? अच्छी वाली ठीक तो है? इतनी भी अच्छी नहीं है जिम, इन पर पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा तुम्हारी अकल पे पड़ गया है, समझी? जाओ अपना काम करो, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, आज तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी। ओ यार, अब सुनाने को बाकी क्या रह गया बाबा? सुनाओ जल्दी, मैंने फिर खबरें भी सुननी है। चलो बस जान मुझे नन्नी सी गुड़िया, ओरे अनाड़ी, ओरे अनाड़ी, आ हम तुम दोनों मिलके चलाए प्यार की गाड़ी, चुप 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 चुप।
अबे पेजे तू आख तू ये क्या करती है आए आदमी मैंने समझा चोरों के घर चोर आ गए हैं और मैं समझा के कर छोड़ कहाँ था तू जेल में कब आया भाई रिहाई तो मुझे कब की मिल चुकी थी मगर थाने वालों ने अभी तक मुझे रिहा नहीं किया भाई उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है उन्होंने चार पाइयां बिछवाई हैं मुझसे हुक्के बनवाया है भाई मुझसे सारे थाने की सफाई करवा रहे हैं अभी तक अब भाई मेरा कुछ कर ले वरना मैं बर्बाद मेरे हाथ पैर तोड़ेगा क्या भाई तुम्हारी मेहरबानी बात सबर सबर मैं सुबह जाकर बात कर लूंगा
सोर का थप्पड़ मारा है। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा? ओ हाँ, मैं एक तो थप्पड़ ही पड़ते हैं। ठीक कह रही तुम, हमारे मुल्क की औरतें खाम में भी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती। मगर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो उठो उठो, निकलो बाहर, वरना एक लगाऊंगा मुंह पे। एक मिनट। हेलो रॉजर, पॉइंट 16 पर पहुंचे। हम पहुंच रहे हैं सर, ओवर। क्या तुम्हारी इस यकीन दहानी के बाद मैं इस बात को झूठ समझ लूं कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं? अब ना हेरा फेरी होगी और ना चोरी, क्योंकि मैंने तो पक्की तौबा कर ली है और पेजी ने भी शराफत से जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया साहब। शरीफ लोगों को हम सलाम करते हैं, मगर आपके पुलिस वाले बहुत तंग करते साहब। वो समझते हैं हम अभी तक वही काम कर रहे हैं, हिस्सा मांग लेते हैं, कहां से दें साहब? आज के बाद तुम्हें और पेजी को कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। सलाम साहब। कहां जा रहे हो? बशीरसन ज्वेलर्स की दुकान पर। क्या कहा? ज्वेलर्स की दुकान पर? एक बात बताऊं साहब, आज मैं वहां कुछ लेने नहीं, कुछ देने जा रहा हूं। सोचा है दो चार अंगूठियां हैं, थोड़ा जेवर है, इन्हें बेचकर कोई अच्छा सा काम कर लूंगा। अच्छा अच्छा, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, चलो बैठो। आप वहां कुछ लेने जा रहे हैं कि? बैठो बैठो, चलो बैठ। खबरदार, कोई शोर नहीं मचाना, मैं डाकू हूं, लुटने आया हूं। ये पिस्तौल भी है मेरे पास और ये गरगन्ने भी है। जो कि मेरा हुक्म नहीं मानेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पीछे हटो। ये लो ये थैला, इसमें कैश भर दो। हाथ उठाओ, जल्दी करो। बशीर संग ज्वेलर की दुकान पर डकैती हो गई है, फौरन मौके पर पहुंचें और अपने अपने पॉइंट पर नाकाबंदी सख्त करें। बशीर ज्वेलर की दुकान पर डाका पड़ गया। तेरा सत्यानाश हो जाए जवान। मैं तो गूंगा हूं भाई, इधर आओ। ये लोग जान पूछ के तुम्हें लेट कर रहे हैं, माल पकड़ो और यहां से निकलो, पुलिस आने वाली है। किसने कहा? मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो, जल्दी करो। अब क्या होगा? सुस्त आदमी हो, एक घंटा लगा दिया तुमने, जल्दी करो। कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकते। तुम मेरे खेल में आ चुके हो जमाल, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मेरे तीन गिनने तक बाहर आ जाओ। क्या होगा? आप रिक्शा कर लो भाई। तुम मेरे साथ चलो। मैं? हाँ तुम चलो। दो भाई, मैं तो खुद जेवर बेच रहा हूँ यार। मैं कहता हूँ बाहर चलो। और मेरा जेवर पड़ा वहां पे, लाना भेजता हूँ तुम्हारे जेवरात पर। चलो ये क्या ड्रामा कर रहा है ये? अगर किसी ने गोली चलाई तो ये बेगुनाह शख्स मारा जाएगा। मुझे रास्ता दे दो और जाने दो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारा ये आदमी मुझे धोखा नहीं दे सकता जमाल। जमाल? ये जमाल कौन है? मेरा नाम तो अख्तर है। जमाल मैं हूं। मैं समझा था तुम जेल से आकर सुधर गए होगे,
लेकिन तुम कल भी चोर डाकू थे और आज भी हो। तुम्हारी यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। तुम चोर और डाकू? मैं तो सिर्फ चोर हूँ, पुलिस प्यार से डाकू कहती है। लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो। नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ ये पिस्तौल मुझे दे दो। नहीं दूंगा मैं। इसे चलाइए। तुमने मुझे भी फंसवा दिया। लाओ पिस्तौल मुझे दो। मैं कहता हूँ पिस्तौल मुझे दो। अच्छा तो मुझे पिस्तौल दो। बंद कर दो फायरिंग, बंद कर दो। माफ करना भाई, कहीं तुम्हें गोली तो नहीं लग गई? गोली लगी नहीं, मुझे छू के गुजर गई है। चोरी करने आती नहीं, चोर बने फिरते। तुम चोरी के नाम पे धब्बा। एक मिनट, तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक पुलिस को ये यकीन ना आ जाए कि मैं तुम्हारा साथी नहीं। पर तुम्हें बेगुनाह साबित करने का मतलब यह है मैं फंस जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम नहीं जा सकते। यार तुम्हें किसने कहा कि तुम चोरी करो? चोरी करनी तुम्हें आती नहीं, चोरी करने चले गए। ओ भाई, ओ यार क्यों मेरे पीछे पड़ गया? मैं जेवर बेचने क्यों गया? बसे आए, अबे कान घुसेड़ दिया तो इसमें दरवाजा भी नहीं लगा हुआ। आए आ आए आए आ आ मैं तो ठीक हूं लेकिन तुझे ठीक नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं वहां जेवर बेचने गया था, तूने मुझे बिना वजह मुजरिम बनवाया। मैं तुझे तेरी वो करनेट तो गाड़ी में रह गया। अरे रह गया तो रह जाना दे, करनेट फट जाएगा। अरे फट जाने दो। ये करनेट तो फटा ही नहीं। हाँ यार, आजकल हर चीज दो नंबर है, बम में भी मिलावट है।
दो नंबर है? नहीं, ये एक नंबर है और मैं भी एक नंबर हूँ। तू मेरी बेगुनाही का सबूत है। तेरा पुलिस स्टेशन ले जाना बहुत जरूरी है। चल आगे। मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा तो तेरा बाप भी। चल 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 चल। कौन है ये? सर ये डाकू है, डाकू साहब। इन्होंने अभी अभी बशीर संघ में डाका मारा है। ये रकम है और ये इसका हथियार है। ये झूठ बोलता है सर। डाका इसने मारा है, ये तो मुझे फंसाना चाहता है। जी क्या बकवास कर रहे हो? मुझे डाकू कहा? तुमने मारा है, ये झूठ बोलता है सर। डाका इसने मारा है। और तुम्हारी क्या जल्द दूध की दुकान है? तुमने डाका मारा, मैं जानता हूँ सर। डाकू खुदा की कसम डाकू है सर, खुदा की कसम डाकू है। गलत बोलता है सर, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। ये है डाकू। क्या पता डाकू है? तुम जुबा बात कर रहे हो? तुम डाकू खामोश। सर ये डाकू सर। सर ये बकवास करता है। ये डाकू है, ये डाकू है। तुम खामोश रहो, तुम बोलो। सर ये डाकू, तुम तो चोर हो, तुम समझते हो कि डाकू है। तुम खामोश रहो, तुम बोलो। जी सर, मैंने तो सर जी जी भी नहीं किया, असल काम सारा कुछ। इसका नाम जमाल है सर, और ये जो है ये मशहूर डकैत है सर। डकैत है जमाल, जो मेरे साथ रहता है। यही जाना पाइए उधर घूम जा, घूम जा। ऐसे बैठो जैसे शेर पढ़ने के लिए बैठते हैं। मैं कहता हूँ गाड़ी रोको, खुदा के लिए गाड़ी रोको। या मैं कहता हूँ गाड़ी रोक। अबे रोक ना इधर गाड़ी, कच्चे में उतार। काहे को डर रहा है? तेरे बाप की गाड़ी डर रहा है? छीनी भी गाड़ी। चल निकल, चल सीधा सीधा चल। रोक इधर, बाहर निकल। मगर तो बाहर निकल, बाहर आ। मगर तो बाहर आ। खड़ा 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 बोल, बता पुलिस स्टेशन में झूठ क्यों बोला? बोल। इसलिए कि मैं गिरफ्तार होना नहीं चाहता था। अगर मैं गिरफ्तार हो जाता तो मेरी मासूम बच्ची मुझे ढूंढते ढूंढते मर जाती। मर जाती बच्ची के अब्बा? बच्ची का इतना ख्याल है तो चोरी क्यों की? मैं आदि चोर नहीं हूं भाई, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। लेकिन हालात की गर्दिश ने इतना मजबूर और मुफलिस कर दिया कि मैं अपने जमीर को मारकर चोर बन गया। इस चोरी के पीछे एक लंबा सफर है भाई। अगर तुमने मुझे पैसे लेकर न जाने दिया तो मेरा सफर फिर शुरू हो जाएगा, और वो जालिम लोग मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेंगे। मैं उनसे अपनी बच्ची को लेकर उनकी पहुंच से कहीं दूर निकल जाना चाहता हूं। वाह, तुम और तुम्हारी बच्ची यहां से निकल जाएं, और मेरी बच्ची जो अभी पैदा भी नहीं हुई, पुलिस मुझसे वो भी बरामद कर ले। देखो तुम्हारी कोई भी मजबूरी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को मुजरिम नहीं बना सकता। हाँ, इतना कर सकता हूं इंसानी हमदर्दी के तहत कि तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं। तुम ये रकम मुझे दे दो ताकि मैं पुलिस को वापस करके
अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। ये मजबूरी भी क्या चीज है, मैं चोरी के इस पैसे से खुद को और अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने पर मजबूर हूं, और तुम इन पैसों को वापस करके अपनी जिंदगी के दाग धोने पर मजबूर हो। किसकी मजबूरी ज्यादा है यह तो खुदा ही जानता है, और न जाने उसका बनाया हुआ इंसान अपने जैसे इंसानों की मजबूरियों को कब समझेगा। ये लो पैसे, मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेलूंगा, और हां मेरी वजह से तुम जख्मी हो गए, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। बच्ची को लेकर यहां से निकल जाओ। लो, पर तुम ये पैसे मैंने अपने लिए जिंदगी में पेश की है, लेकिन आज की चोरी जो मैंने नहीं की तुम्हारे खातिर अपने नाम लिख लेता हूं, शायद इसके बदले में खुदा मेरी पिछली खताएं माफ कर दे। लो दोस्त, खुदा तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को सलामत रखे। मगर पुलिस तुम्हें? अरे तुम पुलिस की फिक्र ना करो, पुलिस तो मेरे जहेज में आई है, एक बार फिर उनसे आंख में चोरी खेल लेंगे। तुम लो ना। अरे लो भाई लो। शुक्रिया। बाय। ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। नहीं यार, क्या तुम मुझे फंसवा के दम लोगे? अस्पताल गए तो दोनों पकड़े जाएंगे। तुम एक काम करो, मुझे मेरे घर 15 लियाकत कॉलोनी ले चलो। 15 लियाकत कॉलोनी? चलो। और यार ऐसा करो इस तरह। मैं ये उल्टा तो रुक लो। हाँ यही घर है। एक मिनट, ये गाड़ी पुलिस की नजरों में आ चुकी है, तुम एक काम करो, उस गाड़ी का कपड़ा उतार कर इस गाड़ी पे डाल दो। दवाओं का बक्स ले गया, इसे तो खाने की बीमारी है, कहीं दवाओं का बक्स भी ना खा गया। अंदर ही आ जाओ यार। अभी दवाइयों वाला बक्सा क्या करना है? खून? मुझे कौन है?
और इन्हें अपना ही समझो, खून की फिक्र ना करो, जख्म ज्यादा गहरा नहीं, ऐसे ही गोली किस करके गुजर गई है। गोली और क्या, तुम दवाओं का बक्स लाओ। मेरा ख्याल है ले जाना चाहिए। आ जा। मेरे ऊपर ना गिर जाना। लाइए मैं कर देता हूँ, लाइए। ऐसा लग रहा है कसाई, लेकिन दर्जी वाला काम कर रहा है पहली दफा। आराम से भाई। आई आई तेजी। एक और मुसीबत आ गई। तेजी भाई कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं। ये क्या हो तुम्हें? कैसे लड़के आ रहे हो? मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें जख्मी किया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलो जल्दी बताओ ना क्या हो तुम्हें? अरे भाई मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा भाई। ठीक हो जाएगा? हाँ। ये कौन है? तेजे इन्हें बताओ कि ये कौन है। इन्हें अपना ही समझो। अच्छा इतना भी नहीं समझो? अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? अपने बच्चे के पास होगा, परेशान होगी। वो तो ठीक है, मगर इस हुलिये में बाहर जाना मुनासिब नहीं। बेजे एक बात सुन, इनका लिबास और हुलिया दोनों ही बदल दे। सही है, आइए जनाब। एक मिनट बात सुनो, बच्ची को लेके सीधे इधर ही आना, क्योंकि पुलिस पूरे शहर में हम दोनों को ढूंढ रही होगी। ठीक है, ठीक है। मेरी बेटी तुम किधर था? दो घंटे का बोल के गया, छह घंटे लगा दिया। हमारे साथ तुम्हारा बच्ची भी परेशान था। परेशानियां तो जिंदगी के साथ साथ चलती है खान साहब। बहरहाल आपने हमें पनाह देकर हम पर जो एहसान किया है, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। ओ बाबा, खान जिसको पनाह देता है वक्त आने पर उस पर जान भी देता है। बोलो हमारे लिए क्या हुक्म है? आप हमारे लिए सिर्फ दुआ करें खान साहब। आपके पनाह देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम खोलो पुलिस तो अंदर बुला लो। हाँ अंदर बुला लो। नहीं, अगर वो अंदर आ जाएंगे तो फिर हम भी अंदर चले जाएंगे। क्या असल में बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुनो सुनो, thank you.
काम करना। बेटी पारा 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 बैठेगा। यही मेरा सब कुछ है, जैसे वो जालिम मुझसे छीनना चाहते। ओ भाई तुम इसके बाप हो, इसे तुमसे कोई किस तरह छीन सकता है? वो छीन सकते हैं भाई, बहुत बड़े लोग हैं, बड़े लंबे हाथ हैं उनके, ये शहर भी उनका है और कानून भी उनका है। मैं तो गरीब हूं और अकेला भी हूं, वो छीन सकते हैं, छीन सकते हैं। कौन है वो लोग? मेरी बीवी और उसका बाप। दुख तो इसी बात का है कि जिस बीवी के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, आज वही मेरी दुश्मन हो गई है। तो फिर तुमने ऐसी औरत से शादी क्यों की? जब शादी की तब वो ऐसी ना थी। हमारी मुलाकात लंदन में हुई थी, हम एक ही जगह पढ़ा करते थे, बहुत प्यार करती थी वो मुझसे।
जुदा कर सकेगा ना कोई भी हमको, ये जज्बात जिनको फरिश्ते भी चाहें, तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए, ये रेशम सी जुल्फ से ये शबनम सी बाहें, तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए, मोहब्बत में डूबी हुई ये निगाहें, तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए। उसी की जिद पर मैंने उससे शादी की थी। उसका ख्याल था अगर हम पाकिस्तान गए तो उसका रईस बाप उसकी और मेरी शादी पर रजामंद नहीं होगा। शादी के बाद उसके बाप ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया और वो हम दोनों से नफरत करने लगा। जब फूल पैदा हुई तब भी वो हमसे न मिला। मेरी बीवी अंदर ही अंदर अपने बाप के लिए तड़पती रही। जब तानिया को अपने बाप के हार्ट अटैक की खबर मिली तो वो परेशान हो गई और खुद ही उसने अपने बाप से मिलने का फैसला कर लिया। हम सब पाकिस्तान आ गए और शादी के बाद पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। बहुत कुछ सोचा था जब तुम 7 साल पहले लंदन गई थी। अब भी बहुत कुछ सोच रहा हूं जब तुम 4 साल बाद एक नन्ही सी बच्ची लेकर मेरे सामने खड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है तुमने इस शख्स से शादी करके न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे खानदान को गोली दी है, गोली। ऐसा शख्स जिसका कोई मकाम था न है, न कोई नाम था न है, और न ही कोई खानदान था, न है। मेरे पास जो नहीं था और जो मेरे पास अब नहीं है उसे भूल जाइए सर, और आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लीजिए जो बहुत फासला तय करके अपने और आपके दिलों के फासले खत्म करने आई। मुझे अपनी बेटी को मोहब्बत की नजर से देखने या इसे मोहब्बत से गले लगाने के लिए तुम्हारी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। इसकी सिफारिश ये फूल सी बच्ची है। इस बच्ची में मुझे अपनी बेटी नजर आ रही है। डैडी, डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और जिस तरह कहा मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ अख्तर। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारे डैडी मेरे साथ ऐसा सुलूक करेंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अगर तुम ना आते तो हम माँ बेटे कभी ना मिल पाते। उनकी सख्त बातों को भूल जाओ अख्तर, वो दिल के बुरे नहीं है। उनका कहना मान लो, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ प्लीज अख्तर, प्लीज यहीं रुक जाओ। यहां रह जाओ, अगर तुम्हें मेरी आरज़ुओं का भी तो पता है। मैं अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूं। जब बचपन था तो यतीम खाना था, जब जवानी थी तो हॉस्टल था, और जब मेरा अपना एक छोटा सा खानदान है, मैं अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूं, तो तुम कहती हो यहां रह जाओ। आखिर मेरी भी तो कुछ आरज़ू है। अपनी आरज़ुओं से इतना कंप्रोमाइज किया है, वहां एक दफा और कर लो प्लीज अख्तर, मेरा मान रख लो प्लीज, प्लीज अख्तर प्लीज। तुमने हमेशा मेरी जिद मानी है, ये मेरी आखिरी जिद है। इसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी।
ये वादा है मेरा, आई प्रॉमिस। नहीं सकते।
कोटों से निकल आए हैं, मखमल पे कदम है। कोटों से निकल आए हैं, मखमल पे कदम है। तकदीर का हम पर ये कोई खास कर्म है। कभी तकते दुआ हो नहीं तकते, फूलों के कभी रंग जुदा हो नहीं सकते। जीवन के सफर में तुझे हम खो नहीं सकते। अंकल से टेलीफोन पर बात की, पता चला तुम्हारा उनके साथ कंप्रोमाइज हो गया और वो तुम्हारे खावन जी जो है वो घर दामाद बनने पर राजी हो गए। भाई कहाँ है वो खुश नसीब जिसे तुमने हम पर फौकियत दी, वरना तुम्हारे डैडी की पसंद तो हम ही थे, क्यों अंकल? हाँ, लेकिन हमारी बेटी को अपनी पसंद बाप की पसंद से ज्यादा अजीज थी। हाँ अख्तर, इनसे मिलो, ये शाहीन है। हेलो हेलो, इनसे मेरे बड़े रिश्ते हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं और मेरे पापा की कंपनी के डायरेक्टर भी और एक मुंहफट इंसान भी। भाई मुंहफट तो हम हैं, इसीलिए इस वक्त मुंह में आई हुई बात रोक नहीं सकते। मुझे तुम्हारी पसंद कुछ पसंद नहीं आई, बुरा ना मनाना दोस्त। ये क्यों बुरा मनाएंगे, जलने वाले जला करें। वैसे तुम भी जरा नहीं बदली। कैरेक्टर वाले लोग नहीं बदलते। हाँ, मगर तुम्हारे खामिन तो बदल गए हैं। 7 साल पहले तो बहुत अकड़ थी इसमें, और जब पैंतरा बदला है तो घर दामाद बन गए, और घर दामाद ही नहीं बगैर किसी सिफारिश के हमारी कंपनी में मैनेजर की सीट भी संभाल ली। क्या कहा आपने, मैं और आपकी कंपनी में मैनेजर? क्यों, हमारी कंपनी में मैनेजर बनने पर तुम्हें कोई एतराज है? मैं एक इंजीनियर हूं, आपकी कंपनी में मेरा क्या काम है? अरे आप भी कमाल करते हैं अख्तर साहब, ऊपर वाले की रहमत को जहमत न समझें। आपको करना ही क्या है, इनाम की नौकरी है। अंकल का ख्याल है कि आप अभी से सारे बिजनेस को समझ लें, क्योंकि बाद में आप ही को तो संभालना है सब कुछ। आपकी सोच कुछ ज्यादा ही अच्छी है। थैंक यू, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा अच्छा, यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी प्लीज। यू आर एक्सक्यूज्ड। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अख्तर, तुम इस फैसले से कुछ परेशान लग रहे हो। मैं उस छिछोरे इंसान की वजह से परेशान हूँ। ओफो, छोड़ो उसे, उसकी तो आदत ही ऐसी है। तुम मेरी आदत भी जानती हो, तो अपने डैडी को समझाओ। मैं एक इंजीनियर हूँ, वो मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर बनाकर क्यों रखना चाहते हैं? किसी ना किसी बहाने से वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहते हैं, और तुम्हें भी उनके करीब जाने में कोई तौहीन महसूस नहीं करनी चाहिए। कल से तुम कंपनी जाओगे, काम शुरू करोगे, बस प्लीज। ओके, थैंक यू। Thank you.
पांव एक साथ, हाथ पांव एक साथ, शाबाश शाबाश शाबाश। पापा, मामा आ गई। अच्छा, मामा बड़ी प्यारी लग रही हैं। हाँ भाई, आज तो बड़ी प्यारी लग रही तुम्हारी मामा। पापा, मामा को भी नहला दे, खींच ले पानी में, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तो फिर खींच लेते पानी में, अगर मजा आता है तो। चलो। ओह माय गॉड, बस भी करो, मैं जब से ब्यूटी पार्लर गई हूँ तुम लोग तब से नहा रहे हो, कब तक नहाओगे? अरे आओ तुम भी नहा लो। छोड़ो मुझे अक्सर, प्लीज छोड़ो मुझे, मैंने ब्यूटी पार्लर में बैठकर 2 घंटे से ये बाल बनवाए हैं, मुझे पार्टी पे जाना है। अरे मैडम, बेटी की खुशी से ज्यादा पार्टी और हेयर स्टाइल की परवाह नहीं होनी चाहिए, क्यों फोन? यस पापा। Nonsense! सब खराब कर दिया, अब मैं पार्टी में कितना जाऊंगी? नहाने के लिए स्विमिंग पूल क्या मिल गया, अपने औकात भूल गया है ये पागल, चौपेट, बेवकूफ, इडियट। शाबाश, अब मेरी बेटी सो जाएगी और पापा भी चलकर सोते हैं, ठीक है? शब खैर। पापा। जी बेटे। सॉरी। किस बात की सॉरी? मेरी वजह से मम्मा ने आपसे थोड़ी सी लड़ाई की। कोई बात नहीं बेटा, मामा ने पापा से थोड़ी सी लड़ाई ही नहीं की, बल्कि पापा को उसकी हैसियत का एहसास दिलाया है। देखो, वो मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहा था। आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी। जो मेरी जुबान ने कहा था वो मेरी पहली भूल थी, और तुम्हें भी मेरी इस पहली भूल को भूलना होगा अख्तर, प्लीज। चलो अपना मूड ठीक करो ना, कल हम दोनों को पार्टी पे जाना है जो शाहीन ने हम दोनों के ऑनर में दी है। मैं उस छिछोरे की पार्टी में नहीं। अगर तुमने इनकार किया तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। दानिया, कोई बहस नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने का वक्त है, प्यार करने का वक्त है, और मेरा वक्त है। किसका इंतजार है जो बार बार इधर उधर देख रहे हो? यार जिसके लिए पार्टी दी है वो तो अभी तक आई। क्यों अपना वक्त और एनर्जी वेस्ट करते हो? वो अब शादीशुदा है, एक बच्ची की माँ है, भूल जाओ उसे। उसे भूलना मेरी फितरत नहीं, उसने मुझे छोड़कर एक 2 पैसे के इंसान से शादी की है। ना मैं ये शादी रहने दूंगा और ना ही उस दौलत को हाथ से जाने दूंगा जिस पर मेरी नजर है। क्या मतलब? वो सेठ की अकलौती बेटी है और मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए। वेलकम तानिया, वेलकम टू द पार्टी। दोस्तों, वो दोस्त जो कई बरस हमसे बिछड़ा रहा आज फिर हमारे साथ है। आज की रात पुरानी दोस्तियां, पुरानी चाहतें,
और पुरानी बातें दोहराने की रात है, ये तानिया की रात है, हम सब की रात है। भाई प्लीज इज इट रेडी, वन वन टू थ्री फोर। किस तरह बताऊं मेरी तुझसे आबरू।
डर तो मुझे भी लग रहा है बेटे। पापा हम लंदन में अच्छे थे, वहाँ हमारा घर छोटा था मगर हम इकट्ठे थे, ये घर बड़ा है मगर हम दूर दूर हो गए हैं। हाँ बेटा तुमने ठीक कहा है, हम वाकई यहाँ दूर दूर हो गए। लेकिन मैं अपनी बेटी से कभी दूर नहीं रहूंगा। चलिए अब आप सो जाइए। शाबाश, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। तुम पार्टी छोड़कर आ गए और मुझे बताया भी नहीं। उस पार्टी में जाकर तुम तो मुझसे बेखबर हो गई थी, मेरी आवाज कहां से सुनती? तंज कर रहे हो? हकीकत बता रहा हूं। हकीकत तो ये है, तुम्हारे इस तरह चले आने से सबने मेरा मजाक उड़ाया, तुम्हें बदतमीज और मुझे बैकवर्ड कहा, और तुमने सुन लिया। तुमने ये सब उन्हें कहने का मौका दिया। बहुत कुछ कहने का मौका तो मुझे भी मिला था, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि अपना घर, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को पाकर तुम वो वादा मत भूल जाओ जो शादी से पहले हम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था। मुझे सब याद है। तुम्हें तो कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं इस रात को न जाने कितने दिनों से याद कर रहा था, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने दोस्तों की पार्टी याद रही। सॉरी। सिर्फ सॉरी? और क्या करूं, हाथ जोड़ू, पांव पकड़ू, और क्या करूं? अब तुम ऐसे बात करोगी? तुम भी तो छोटी छोटी बातों को जहर बना लेते हो। अगर तुम मुझे बता देते कि आज हमारी शादी की सालगिरह है तो क्या होता? देखो अख्तर, मैं महसूस कर रही हूं कि तुम पाकिस्तान आकर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हो। तुम्हें इस एहसास से कमतरी से निकलना होगा। अब यहाँ लोग तुम्हें मेरे बाप के दामाद की हैसियत से पहचानते हैं। हमारा हाई सोसाइटी में आना जाना है। अगर तुम अपनी सोच को नैरो और छोटा रखोगे तो मुझे और मेरे बाप को बहुत शर्मिंदगी होगी। बी केयरफुल। अख्तर, मैं महसूस कर रही हूं कि तुम पाकिस्तान आकर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हो। तुम्हें इस एहसास से कमतरी से निकलना होगा। अब यहां लोग तुम्हें मेरे बाप के दामाद की हैसियत से पहचानते हैं। हमारा हाई सोसाइटी में आना जाना है। अगर तुम अपनी सोच को नैरो और छोटा रखोगे तो मुझे और मेरे बाप को बहुत शर्मिंदगी होगी। बी केयरफुल। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा टाइप करना पड़ेगा। क्यों? लिए कि आप इस पर साइन करने का मिजाज नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? सर, ये शेर साहब का हुक्म है कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन सिर्फ तानिया बेगम के होंगे। ठीक है, आप जाइए। मुझे इतनी भी अथॉरिटी नहीं कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकूं, तो आपने मुझे डेकोरेशन पीस बनाकर मैनेजर की सीट पर क्यों बिठाया? जिस शख्स ने आपको हैसियत दी, इज्जत से जीने के लिए कुर्सी दी, उसके सामने इस लहजे में बात कर रहे हो? आप तो मुझे इंतहाई कमजर्फ, एहसान फरामोश और घटिया लगे। इन्होंने मुझे क्या दिया और क्या नहीं दिया, इसको डिस्कस करने वाले तुम कौन होते हो? मैं कौन हूं और क्या हूं अगर ये बता दिया तो तुम्हारे पांव तले से जमीन सरक जाएगी। फिलहाल इतना जान लो कि मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, वरना जिस तरह तुम्हारा हाथ मुझ पर उठा था, ये हाथ मैं काट कर इस बिल्डिंग के गटर में भी फेंक सकता था। अच्छा अंकल, मैं चलता हूं। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी
दिया हरकत पर मुझे नदामत हो रही है। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि वो इस कंपनी का एक डायरेक्टर भी है? कंपनी का डायरेक्टर होने का ये मतलब नहीं कि वो हमारे फैमिली अफेयर्स को भी डिस्कस करे। वो मेंबर है हमारी फैमिली का, उसका मकाम और किरदार तुमसे बहुत ऊंचा है। तुमने उसे मेरे सामने थप्पड़ मारा और उसने मेरा एहतराम करते हुए उस थप्पड़ को बर्दाश्त किया। जी, और आपने भी खूब बर्दाश्त किया। उसने आपके सामने मुझे कमजर्फ, एहसान फरामोश और घटिया कहा। ठीक कहा, तुम जो हो उसने वही कहा और जो कहा सच कहा। मैं जो हूं अब वो बनकर दिखाऊंगा और जो सच है उसे करके दिखाऊंगा। खुदा हाफिज़। आखिर तुम दुनिया को दिखाना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाना चाहता मैं। मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा है वो एक बीवी की हैसियत से तुम्हें मानना पड़ेगा। हमें अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। तुम ऐसी बातों को तूल दोगे तो फासले बहुत बढ़ जाएंगे अख्तर। फासले तो बढ़ चुके हैं, अब और क्या बढ़ेंगे। तुम अपने दोस्तों की महफिल में मुझे नजरअंदाज करने लगी। तुम्हारा बाप मुझे अपने पांव की धूल बनाने पर तुला हुआ है। तुम समझती हो मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन नहीं दानिया, मैं समझता हूं तुम बीवी के हकूक को भूल बैठी हो। तुम इस बड़े घर को अपनी शान समझती हो, लेकिन मेरा इस बड़े घर में दम घुटने लगा है। मैं अपनी खुददारी को इम्तहान में नहीं डाल सकता तानिया। नो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन वो, प्लीज तानिया मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे जहां हम इज्जत से जिएंगे। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। मैंने एक बार अपने बाप के इतमाद को धोखा दिया, अब दूसरी बार उनकी इजाजत के बगैर मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। और तानिया तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मेरी बीवी हो। बीवी बनकर बेटी का हक नहीं भूल सकती। ठीक है, अगर तुम अपना हक नहीं भूल सकती तो मैं भी ये सच नहीं भूल सकता कि अब मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से चला जाऊंगा। अख्तर, क्या कहा तुमने? मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से जा रहा हूं। अगर वो यहां रही तो उसकी सोच भी आपकी तरह मकरूर हो जाएगी। तुम यहां रहो न रहो, फूल मेरी बेटी के जिगर का टुकड़ा है। मैं उसे तुम्हारी मुफलिसी की गोद में जीने के लिए तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आप अपनी बेटी को तो रोक सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को नहीं। नजरें झुकाकर बात करो अख्तर, ये मत भूलो कि ये मेरे बाप हैं और तुम इन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो। हाथ क्यों रोक लिया? मारा थप्पड़, दिखाओ अपने अंदर की कमीन की, अपनी असलियत। तुम हद से बढ़ रही हो तानिया। मैं अपनी हद से बढ़ रही हूँ या तुमने अपनी हद दिखा दी? तुम्हारे उठे हुए हाथ ने पल ही पल में मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब तुम जो चाहे कहो, जो चाहे करो, मैं और मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मेरी बेटी का फैसला तो तुमने सुन लिया, अब मेरा फैसला भी सुनो। अगर तुमने इस घर में रहना है तो सर झुका के रहना होगा। जब तुम्हारी मम्मी की तरह बिजलियां चमकती है
जब तुम्हारे नाना की तरह बादल गरजते हैं तब आसमान रोता है बेटा। आसमान रोता है तो रोए, मगर आप नहीं रोएंगे वरना मैं भी रोने लगूंगी। नहीं फूल, तुम नहीं रोना। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटा। सुनो फूल, मैं जब यहां नहीं भी रहूं तब भी तुम नहीं रोना बेटा। पापा आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है। ये आपका घर नहीं तो फिर आपका घर कौन सा है? मेरा कोई घर नहीं है बेटे। आपका कोई घर नहीं है तो फिर आप कहां जा रहे हैं? कहीं भी। कहीं भी अकेले? हाँ, अकेले। आप अकेले जाएंगे? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे ना मामा चाहिए ना नाना, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। फूल, साहब कहाँ हैं? वो तो चले गए। कहाँ गए हैं? पता नहीं कहाँ चले गए, जाते वक्त ये रुका दे गए थे। ये रुका दे गए थे? हाँ जी। तानिया, हम बाप बेटी तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहे हैं। हमारी दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम चाहो तो हमारी छोटी सी दुनिया में आ सकती हो। हम आज 3 बजे वाली रेलगाड़ी पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारा अख्तर। तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं, फूल को लेने आई हूँ। ये क्या कह रही हो तानिया? मैं तो समझा था तुम जो कुछ समझ रहे हो अब वो नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे इस रवैये ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारे साथ शादी करना मेरा एक गलत फैसला था। तानिया, और सोचू भी क्यों ना, मैंने 7 बरस तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। जहाँ तुमने कहा मैं वहाँ रही, और तुम चंद दिन मेरे लिए मेरे बाप के घर में ना रह सके। तुम्हारे बाप का घर मेरे लिए दोजख बन गया था। उस दोजख की आग में तुमने सिर्फ अपने सुखों को जलते हुए देखा, लेकिन मैंने तुम्हारी जन्नत में रहकर कभी अपने दुख नहीं दिखाए। हमेशा वो किया जो तुमने कहा, क्योंकि तुम मेरी पसंद थे। लेकिन बदलते हुए हालात ने मुझे तुम्हारी एक नई सूरत दिखाई। अगर तुम मुझे मेरे बाप के घर में छोड़कर जा सकते हो तो उस घर से भी चले जाओगे, जो होगा ही तुम्हारा। अपनी सोच के जहर को अपने दिल से निकाल दो तानिया, वरना ये जहर हमारे रिश्तों की मौत बन जाएगा। हमारे रिश्तों की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। आज तो उस रिश्ते की लाश दफन होगी। ऐसा ना कहो तानिया, प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ ना लगाओ मुझे। आप फूल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, इसे तुम नहीं रोक सकते। मैं कहती हूँ चलो। तानिया, आओ फूल, छोड़ दे मुझे। आओ, मैं नहीं जाऊँ मेरे साथ। पापा, पापा, फूल, पापा। तानिया, तुम छोड़ दे मुझे, मैं नहीं जाऊँ। तानिया, पापा, पापा, छोड़ दे मुझे।
कौन हो तुम लोग? अभी बताते हैं। दुश्मन बने हो, क्यों आए हो यहां? मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं चला जाऊंगा इस घर से, तो क्या इस मुल्क से चला जाऊंगा। मुझे मेरी फूल वापस दे दो। फूल खैरात नहीं जो तुम्हारी झोली में डाल दी जाए। फूल लावारिस भी नहीं। जिसकी किस्मत का फैसला तुम सब लोग करो, वो मेरी बेटी है और उसका बाप अभी जिंदा है। एक दीवाना एक पागल चाहे फूल का बाप है भी, तब भी फूल उसके हवाले नहीं की जा सकती। ना मैं दीवाना हूं और ना पागल। आप एक बाप को बेटी से जुदा करने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। मैं होशमंद इंसान हूं, आप मुझे पागल साबित नहीं कर सकते। मैं साबित करूंगा। शाहीन पुलिस को फोन करो। हर पागल अपने आप को होशमंद कहता है लेकिन उसका अमल उसे पागल साबित करता है। क्या करें आप? आज तुमने अपने सुसर का गरेबान पकड़कर अपने पागलपन का पहला सबूत दे दिया है। लेकिन गरेबान तो आपने पकड़ा है मेरा। मैं रोक रहा हूं तुम्हारी वहशतों को। दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत पकड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं? जुल्म तो तुम कर रहे हो मुझ पर, पहले मेरी बेटी पर, अब मुझ पर कर रहे हो। हटो हटो, अरे छोड़ो, हटो। अरे कोई है जो मुझे बचाए? बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ डैडी? ये क्या हुआ? ये किसने जख्म किया है आपको? तानिया तानिया, ये मुझे मार डालना चाहता है। ये पागल हो चुका है, इसके सर पर खून सवार है। ये देखो मेरा खून, ये इसने किया। ये झूठ है, इल्जाम है। मैंने तो इन्हें छुआ तक नहीं। तुमने इन्हें छुआ भी नहीं और मेरे डैडी खून में नहा गए। अरे जालिम, जिस शख्स ने तुम्हें सीने से लगाया आज तुम उसी की जान लेने लगे हो। मेरा यकीन करो तानिया, मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। तुम्हारा डैडी झूठा है, मक्कार। देखा देखा, मुझे गालियां दे रहा है। अरे अपने सुसर को गालियां दे रहा है कम्बा। ये झूठ बोलता है तानिया। शट अप। इस तरह क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें लहू की इतनी ही प्यास है तो पहले मेरा लहू बहाओ, मार डालो मुझे, छीन लो मेरी जिंदगी पागल। बहुत अच्छा किया तानिया, तुमने भी मुझे पागल कह दिया और अपना हाथ नहीं रोका। ये भी बहुत अच्छा किया। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की, अब मेरी बेटी को जान से मार डालना चाहता है। अरे क्या देख रहे हैं आप? इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये पागल हो गया है, पागल। गिरफ्तार कर लो इसे। मैं पागल नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया था। छोड़ दो मुझे, छोड़। सुसर पर कातलाना हमला किया और अपनी बेटी को भी अगवा किया और पुलिस के अमले पर भी हमला किया। इसका आजाद रहना खतरनाक है, लिहाजा अदालत इसे पागल करार देते हुए पागलखाने मुंतकिल करने का हुक्म सुनाती है। मैं पागल नहीं हूं जज साहब, मैं पागल नहीं हूं। मुझे पागल बनाया जा रहा है, मैं पागल नहीं हूं जज साहब। अदालत के फैसले ने अख्तर को पागलखाने तक तो पहुंचा दिया, लेकिन पागलखाने की दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती कि कोई पागल वहां से भाग भी न सके।
दौलत में बड़ी ताकत होती है शानी। अगर हम एक होशमंद को पागल साबित करा सकते हैं तो फिर पागल खाने की दीवारों को उसकी कब्र की दीवारें भी बना सकते हैं। छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, छोड़ दो मुझे। वो तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तुम्हें क्या काम है? मेरे पापा वहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। इतनी रात गए? हाँ। अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ स्कूटर पर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। लो बेटा, पागलखाना आ गया। याद ने डाला है कफस में, लेकिन मैं
अभी तक हूँ तेरे प्यार के बस में। ऐसा है तो लोहे कि ये दीवार गिरा दे, दीवार गिरा दे, दीवार गिरा दे, दीवार गिरा दे। मैं आ गया बिटिया मेरे सीने से लिपट जा। लेकिन हम जहां तक भी भागेंगे तुम्हारे नाना अब्बू के आदमी हमें कहीं ना कहीं घेर ही लेंगे। पापा हम वापस लंदन चलते हैं, वहां तो नाना अब्बू नहीं आ सकते। आ तो सकेंगे लेकिन हमें कुछ कह नहीं सकेंगे। तो फिर चले लंदन। ऐसे कैसे जाएंगे बेटी, उसके लिए हमें पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, ढेर सारे पैसे चाहिए। ढेर सारे पैसे वो कहाँ से आएंगे पापा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटे, ये सब कहाँ से आएंगे। लेकिन आएंगे जरूर, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। ये थी मेरी कहानी, ये है मेरे हालात जिस पर चलते चलते तुम मिल गए। मैं किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब तो हो गया हूं, मुझे इतनी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने पैसे चाहिए जिसमें मैं अपनी बच्ची को लेकर किसी तरह इस मुल्क से निकल जाऊं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को बाहर भेजता है। भेजे जरा कागज पेंसिल लाना। तुम एक काम करो, मैं उसके नाम तुम्हें रुका लिख देता हूं, तुम उससे मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाली पासपोर्ट चाहिए, वीजा या टिकट? जी मुझे जमाल ले भेजा है, उसने कहा है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ बाबा क्यों नहीं मदद करेंगे, पर इन लोगों के साथ जो साला पेट लगा हुआ है उसके भरने की भी तो कुछ बात करो। बताइए कितने पैसे लेंगे? यही कोई सवा लाख। सवा लाख? हाँ सवा लाख, जो तुमने ज्वेलर की दुकान से लूटा था। मैं समझा नहीं,
ना समझी की बात मत करो, मुश्किल में फंस जाओगे। पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम हमारे पास। लूटा हुआ माल दोगे तो जान छूटेगी। मगर मुझे तो जमाल ने भेजा है आपके पास। अरे सुन लिया बाबा, जमाल भी तुम्हारे साथ इस डकैती में शामिल है। जी वो तो मैं। फजूल बात मत करो, मुझे तो 1,25,000 चाहिए। तुम पासपोर्ट लो या ना लो। ये तो सरासर बदमाशी है। चोरी का माल हजम करना इतना आसान नहीं होता। इस तरह तो मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी रगों से एक एक पाई वसूल करूंगा। बबरा। जी सर। जरा इसको चांद की सैर तो करा। अरे अरे क्या हुआ बेटा? पापा अभी तक नहीं आए। रोते नहीं, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने पापा से बहुत प्यार है? बहुत प्यार है। अच्छा और मामा से? बिल्कुल नहीं। वो क्यों? पापा बहुत अच्छे, मामा बहुत गंदी है। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। पारा 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 पारा, देखो ये प्यारी प्यारी आंखें रोने के लिए नहीं है। और चुप कर जाना मेरा बच्चा, अभी पापा आएंगे, बहुत सारी चॉकलेट्स लाएंगे। हाँ हेलो, कौन बोलता है? तुम्हें किससे बात करनी? सेठ करीम से। उसे बोलो उसके लिए एक खबर है। कैसी खबर? मुझे बताओ, मैं उनका पार्टनर बोल रहा हूँ। उसके नवासी का बाप हमारे कब्जे में है। अख्तर नाम है उसका। अख्तर को खत्म कर दो, मुंह मांगी रकम दूंगा। मंजूर है, रकम लेकर मास्टन रोड जेदी के अड्डे पर 3 बजे आ जाना। अख्तर की लाश मिल जाएगी। और बच्ची का पता? लियाकत कॉलोनी नंबर 15। इसका फोन था। फूल का पता चल गया अंकल? फूल का पता चल गया? हाँ। कहाँ है वो? ये एड्रेस है, आप यहाँ आदमी लेकर पहुंचे, मैं पुलिस लेकर आता हूँ। हेलो, हम बोलता है जेदी। ओ हाँ जेदी, मेरा दोस्त पहुंचा। हाँ पहुंचा है, पहुंचा है। तू कब पहुंचेगा? क्या मतलब? चोरी का माल अकेले अकेले ही खाएगा क्या? एक घंटा है तुम्हारे पास, रकम लेकर आ जाओ वरना हम इसकी लाश तुम्हें भिजवा देगा। जेदी 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 मेरी पट जेदी। खत्म हो गया जमाल, गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे 1 घंटे की मोहलत चाहिए, किसी की जिंदगी खतरे में है। जिंदगी तो तुम्हारी भी खतरे में है, भागने की कोशिश करोगे तो हम गोली चला देंगे। सिर्फ 1 घंटे के लिए जाने दीजिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। अगर मैं वहां ना पहुंचा, एक बेगुनाह शख्स मारा जाएगा सर। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नीचे उतरो। इंस्पेक्टर साहब खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए, मेरा इतबार कीजिए। उसके बाद अगर आप मुझे सूली पे भी चढ़ाएंगे तो मुझे कबूल होगा। कानून एक चोर की जुबान पर इत्मीनान नहीं कर सकता। तो फिर आज कानून भी एक चोर को नहीं रोक सकता। Thank you.
में। फास्ट फास्ट हरी अप हरी अप हरी अप मुन्ना वेरी गुड टीना वेरी गुड हरी अप फास्ट फास्ट शाबाश 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 वेरी गुड शाबाश मुन्ना फास्ट। ग्रैंडपा फूल आओ घर चले। नहीं मैं आपके पास नहीं रहूंगी, मैं पापा के पास रहूंगी। पापा 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 रुको इसे। लगा रही हो आप मेरे पापा पे इल्जाम लगा रही हैं। भूल जाओ उस शख्स को जो मेरा शौहर बनने के लायक है न तुम्हारा बाप कहलाने का मुस्तहिक है। वो एक गंदी नाली का कीड़ा था, एक गंदी नाली का कीड़ा है और एक गंदी नाली का कीड़ा रहेगा। मामा गंदी आप है, आपका घर गंदा है, आपके पापा गंदे, आप सब गंदे। फूल ये उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे बेगुनाह पापा के मुंह पर मारा था। आपने हमेशा पापा को बुरा भला कहा मगर पापा ने आपको आज तक बुरा भला नहीं कहा। वो आज भी आपसे उतने ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। मैं सच कहती हूँ मामा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गफूर, फूल को ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। नहीं मुझे कोई नहीं बंद कर सकता, मैं मर जाऊंगी मरिया नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। पापा पापा ने रोको, पीछा करो। इंस्पेक्टर खान, अभी अभी मेरे पागल दामाद ने मेरी नवासी को मोटर बाइक पर अगवा कर लिया है, उसे बचकर नहीं जाना चाहिए।
तुम फूल को लेकर इन पहाड़ियों में गायब हो जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यार ये बहस का वक्त नहीं है, जल्दी करो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी और फूल की कसम है, जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। जाओ जाओ। कूदकर इकट्ठे मर जाते हैं। फूल? हाँ पापा, वरना ये जालिम लोग हमें जुदा कर देंगे। क्या सोचे हैं पापा? लाइए हाथ। मरने वाले मर गए, तुम क्यों अपनी जान गंवाती हो? अब कमीने बकवास करो, उनके साथ मैं भी मरूंगी, अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। तानिया! अख्तर! तानिया! अंकल ये सब क्या हो गया है? तानिया ने हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। आप उधर क्या देख रहे हैं? मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? बहरे हो गए क्या? उसने जो कुछ किया ठीक किया, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। मैं बाप तो अच्छा न बन सका, लेकिन उसने अच्छी बीवी होने का सबूत दे दिया। Thank you.
सर, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। डैडी, डैडी ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया डैडी? किया जिसका हक था, मैंने नफरत और गुरूर में अंधा होकर जिस बेटी के स्वाग को खत्म करना चाहा, आज होश में आकर उसको बचा दिया। मुझे माफ कर दो। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। थैंक यू नानू, आपने मेरे पापा को बचा लिया। आज से हमारी दोस्ती पक्की। थैंक यू फूल, मेरी पिता।